नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। वरिष्ठ जज श्री यू ललित एवं दो अन्य की बेंच में कोर्ट में केस लगा हुआ था। सीरियल नंबर 13 पर केस लगा हुआ था। सुबह लगभग 10:30 के बाद इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई और आज इस केस को काफ़ी टाइम सुना गया, तो लग रहा था कि आज ये केस फाइनल हो सकता है। तो दोस्तों, इस शिक्षा मित्रों का जो केस था, ये 1.4 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन संबंधी ये केस फाइनल हो गया है। आज इसका ऑर्डर वहीं पर कोर्ट में ही लिखवा दिया गया, ऑर्डर रिजर्व नहीं किया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या प्रमुख अपडेट है तो वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों के इस केस को बिना कोई राहत देते हुए जितनी भी याचिकाएं लगी थी समायोजन संबंधी शिक्षा मित्रों की तरफ से, सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए निस्तारित कर दिया गया। ठीक है, आनंद कुमार यादव जजमेंट के आलोक में 6 माह में शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने का स्टेट को डायरेक्शन दे दिया गया कि जो भी शिक्षा मित्रों के निरस्तीकरण से जो पद खाली हुए हैं, इन पदों को आगामी 6 माह में भरा जाए। ठीक है, और एडवोकेट आरके सिंह ने आज शिक्षा मित्रों को 25 अंक वेटेज को सुरक्षित करवाया। उनका जो 25 अंक का वेटेज शिक्षा मित्रों का है वो सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया गया। जो भी आगामी 2 भर्तियां होंगी उसमें उनको वेटेज मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक भर्ती पूरी हो चुकी है 68,500, दूसरी है 69,000। तो इन्हीं दोनों भर्तियों में शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाएगा। और दोस्तों, ये बात भी वहाँ पर पूछी गई कोर्ट के द्वारा सरकार से कि 68,500 जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें 41,556 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो आखिर उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी थी, तो स्टेट इसका जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की प्रमुख अपडेट थी। जो भी शिक्षक भर्तियाँ यूपी में हैं, जो शिक्षा मित्रों के निरस्तीकरण से खाली पद हुए हैं, उन सभी को 6 माह में भरने का आदेश हुआ है। तो दोस्तों, ये प्रमुख अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।